मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गया क्या? कि लगता है राहुल गांधी जी को ज्यादा जरूरी है 15 लाख की, क्योंकि नोटबंदी के समय उनके पास 4-5 हजार ही रुपए थे, है कि नहीं? तो बल्कि हम लोग तो नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो ये कहते हैं कि हमें बेस्ट एजुकेशन मिले, अच्छी स्वास्थ्य बस और अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। इनके अकाउंट में सदा पहुंचते रहे ना बिना काम किए, इन्हें अभी बिना काम किए पैसा चाहिए, हराम का पैसा चाहिए इन्हें, बांट दो जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उनके पैसे को 15-15 लाख करके, जो काम नहीं कर रहे उनके घर पहुंचा दो, तब ये खुश हैं। करके नहीं खाना चाहते ना, संस्कृति बदल रही है, कल्चर बदल रहा है, जो काम करेगा सो खाएगा, किस बात का 15 लाख पहुंचा दे? वो बात केवल इतनी थी कि 15-15 लाख हिस्से में आता है, ना कि 15-15 लाख खाते में पहुंचा देंगे। सवाल किसी व्यक्ति के नाम का नहीं है, लोग इस बार ढूंढेंगे कि 15 लाख कहाँ है हमारे अकाउंट में। तो उन्होंने ये थोड़ी नहीं बोला था कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में दे, उन्होंने तो ये बात रखी थी कि इतना काला धन है कि अगर वापस आता है तो सबको सबके हिस्से में 15 लाख आ सकते हैं। जरूरी नहीं है डायरेक्टली आप पैसा दो इंसान को, आप उस तरह की फैसिलिटी दो लोगों को, ठीक है? फैसिलिटी मीन्स आप एक सफाई देखो, आज की डेट में आपको सफाई मिलती है और दिख रही है, गंगा सफाई के ऊपर बात हुई थी, कल ही इंडिया टीवी देख रहा था, चाहे वो 1% काम हुआ, गंगा सफाई पे काम हुआ है और वो लोग भी मान रहे हैं गंगा सफाई पे काम हुआ। तो जरूरी नहीं है पैसा आपको डायरेक्टली मिले, आपको सर्विसेज के तौर पे भी पैसा मिल सकता है। मेरे 15 लाख आएंगे नहीं आएंगे तो अब की बार 15 लाख का नारा आवाम का होगा। 15 लाख हर एक अकाउंट में कैसे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल सी चीज है कि हाँ उसको ऐसे हमने एक सर्विस मिली है कि वो हमने हर जगह दे रहे हैं। प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे, ये इनका पहला मुख्य चुनावी वायदा था। 15 लाख, आप भारत की जनसंख्या अभी 125 करोड़ है, इस हिसाब से कहते हैं जो हमारा जो विदेश में यहाँ से ब्लैक मनी है, 70 साल तो आपने 60 साल किया, 60 साल में क्या किया? अभी जो विदेशी पॉलिसी है, कल हमारे यहाँ मोदी जी से पहले जो भी पीएम जाते थे कोई जानता भी नहीं था, हमारे हिंदुस्तान में नहीं कोई समझ पाता था जो हमारे पीएम का कोई दौरा हुआ है। जनता से वायदा किया था बाहर से काला धन लाऊंगा और हर एक बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंच जाए। 15 लाख रुपए कभी बोला ही नहीं है मोदी जी ने, तो ये बोला था कि इतना धन पड़ा हुआ है कि 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आ जाएगा, तो उन्होंने लोगों को मिसगाइड करने के लिए चीज बोली है। साधा नागरिकों को 15-15 लाख करेंगे, 15 रुपया भी नहीं थी। वो 15 लाख रुपया ये होता कि आपको हिस्से में आएगा, लेकिन उस देश के काम में लग रहा तो हमारे एक एक खाते में आएगा, तो काम कहाँ से होगा? सबसे बड़ा धोखा तो प्रधानमंत्री जी ने किया था इस देश के सामने, जब उन्होंने ये जुमला फैलाया था कि 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में आएंगे। वो सबसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लॉलीपॉप था। अब जैसे बोलते कांग्रेस के भी, इसने बोला था कि भी 5-15 लाख, अरे भाई वो तुम्हारी जेब में थोड़ी आना था, अगर वो पकड़ा भी होगा तो देश की योजना के लिए आएगा काम, कि मेरी जेब में आएगा वो 15 लाख रुपया।